ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन भुगतान के लिए लोगों को जागरूक करने में हरियाणा सबसे आगे चल रहा है। इसी कड़ी में परिवहन मंत्री ने रोडवेज को भी कैशलेस करने के लिए बड़ा कदम उठाने का ऐलान किया है। कैशलेस होने के हरियाणा सरकार के प्रयास लगातार जारी हैं। अब हरियाणा रोडवेज ने भी कैशलेस होने की तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैशलेस मुहिम पर हरियाणा तेजी से अग्रसर है। अब इस दिशा में हरियाणा का रोडवेज विभाग भी कदम उठा रहा है। हरियाणा के परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार के मुताबिक जल्दी ही हरियाणा में रोडवेज की बसों को कैशलेस किया जाएगा और इसके लिए 15 मशीनें मांगी गई हैं और हरियाणा रोडवेज में ई टिकट भी जल्द शुरू होगा। और इसको हरियाणा प्रदेश में माननीय मनोहर लाल जी ने भी पूरे प्रदेश में कैशलेस स्कीम को लागू करने के लिए सभी विभागों को निर्देश दिए हैं। हरियाणा रोडवेज हम भी अपने विभाग में कैशलेस करने जा रहे हैं। 115 मशीनें मांगी हैं और इसमें से अब तक हमारे पास एक मशीन आई है और हमने आई जो चंडीगढ़ का जो हमारा डिपो है उसके अंदर हमने वो स्थापित भी कर दी है। ई टिकटिंग के लिए हम बहुत जल्दी ई टिकटिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके लिए अब तक हमने अपने विभाग को ये सीएस के पास अभी फाइल है ई टिकटिंग के लिए, उसमें कई डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं, तो बहुत जैसे चीफ सेक्रेटरी लेवल से वो क्लियर हो जाएगा तो हरियाणा रोडवेज ई टिकटिंग के लिए हम तैयार हैं। पंवार ने जनता को परिवहन सेवा पर्याप्त दिलवाने के लिए पर किलोमीटर योजना फिर से तैयार करने की बात कही और इसके लिए कमेटी का भी गठन किया गया है। साथ ही पंवार ने रोडवेज के बेड़े में बसों का इजाफा होने की भी बात कही। जिस प्रकार से पहले हमने पर किलोमीटर के हिसाब से स्कीम बनाई थी लेकिन रेट ठीक ना आने की वजह से ऑपरेटरों ने जो जिन्होंने टेंडर डाला था 15 रुपये 60 पैसे 80 पैसे भरा जबकि कोस्ट पर किलोमीटर ज़्यादा आती है, तो हम इस स्कीम को किस तरीके से हम दोबारा से बनाएं जिससे स्कीम कामयाब हो सके, इसके लिए मैंने एक कमेटी बनाई है। प्रतिवर्ष अपने बेड़े के अंदर बस भी बढ़ाएंगे। नोटबंदी के फैसले को सराह रही हरियाणा सरकार कैशलेस की दिशा में न केवल आगे बढ़ रही है बल्कि लोगों को जागरूक करने का भी कार्य कर रही है। पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान हरियाणा के सियासी नेता पंजाब में प्रचार के लिए जाएंगे या नहीं, इस पर पंजाब और हरियाणा में बहस छिड़ी है। पंजाब और हरियाणा के बीच इस वक्त SYL का मुद्दा सरगर्म है। ऐसे में बहस छिड़ी हुई है कि क्या हरियाणा के सियासी नेता अपनी अपनी पार्टियों के लिए पंजाब में प्रचार करेंगे। पंजाब में विधानसभा चुनाव होने को है और SYL के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब और हरियाणा में और ज्यादा ठंड गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला हरियाणा के हक में दिया है लेकिन पंजाब पानी देने से इनकार कर रहा है और हरियाणा हर हाल में अपने हक का पानी लेने की बात कह रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या विधानसभा चुनाव में हरियाणा के बड़े नेता अपनी अपनी पार्टियों के प्रचार के लिए पंजाब आएंगे। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि पानी के मुद्दे से समझौता नहीं होगा, चाहे हरियाणा कांग्रेस के नेता प्रचार करें या ना करें, क्योंकि पानी का मसला है, हम पानी पे नहीं मान सकते। कारण बड़ा सीधा है कि पंजाब के नदियों का पानी कम हो गया, पंजाब में पहले ही पानी नहीं है। अगर हम पानी देंगे तो फिर नुकसान हमारे पंजाब का, दक्कन पंजाब का 10 लाख एकड़ ज़मीन बिल्कुल बंजर हो जाएगी, तो हम नहीं दे सकेंगे। उन्होंने वो एक कंडीशन लगाया है, तो अगर बूढ़ा साहब ये कंडीशन पे लगाते हैं तो फिर मत आए। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर का कहना है कि अगर पार्टी जिम्मेदारी देती है तो प्रचार के लिए पंजाब में जरूर जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं जाएंगे? अगर पार्टी के नाते से योजना बनती है तो निश्चित जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाना चाहिए सर? नहीं जाना चाहिए, सरकार बनवानी चाहिए, बनवा करके फिर लड़ाई लड़नी चाहिए पानी की। दूसरों से हम मांग रहे हैं, हम अपनों से मांगेंगे पानी। गौरतलब है कि पंजाब के सभी सियासी दल एक सुर में कह रहे हैं कि पंजाब के पास हरियाणा को देने के लिए पानी नहीं है। उधर हरियाणा का कहना है कि वो हर हाल में अपने हक का पानी लेकर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ हरप्रीत सिंह, जी मीडिया।
नोटबंदी के बाद हरियाणा में न सिर्फ क्राइम का ग्राफ गिरा है बल्कि भ्रष्टाचार के मामलों में भी भारी कमी आई है और एक खुलासा हुआ है सीएम विंडो के आंकड़ों से। एक रिपोर्ट। नोटबंदी का हरियाणा में सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। नोटबंदी के बाद हरियाणा में अपराध के साथ साथ भ्रष्टाचार के मामलों में भी कमी दर्ज की गई है। केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले से हरियाणा सरकार का जीरो टॉलरेंस का सपना भी साकार होता नजर आ रहा है। हरियाणा सरकार के खास प्रोजेक्ट सीएम विंडो के प्रभारी भूपेश्वर दयाल का कहना है कि नोटबंदी के फैसले के बाद सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों में करीब 50 से 60 फीसदी कमी आई है। पहले जहां हर रोज 800 के करीब शिकायतें आती थी, वो आंकड़ा गिरकर करीब 350 शिकायतों तक पहुंच गया है। 8 नवंबर से पहले हमारी रोजाना की एवरेज करीबन 800 थी। 800 या 800 से ज्यादा शिकायतें हमें मिल रही थी जिनमें ज्यादातर भ्रष्टाचार से संबंधित थी। 8 नवंबर को जैसे ही नोटबंदी की घोषणा हुई है उसके बाद से यह आंकड़ा गिर के 350 और 400 के बीच में आ चुका है। हमारा अपने निजी एक्सपीरियंस ये है कि भ्रष्टाचार की शिकायतों में 80% तक गिरावट 8 नवंबर के बाद। साथ ही सितंबर महीने तक स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने 46 लोगों को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया है जबकि नवंबर और दिसंबर में महज 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्र सरकार ने नोटबंदी का फैसला लिया तो बैंकों के बाहर लोगों की कतारें लगनी शुरू हो गई। लोगों घंटों कतारों में लगना पड़ा। उनका यही कहना था कि इससे काले धन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और ये आंकड़े लोगों की इस उम्मीद पर खड़े उतरते नजर आ रहे हैं। इसी बीच हरियाणा सरकार कैशलेस अभियान को भी तेजी से लागू करने की कोशिश में लगी हुई है। सिरसा नगर परिषद के चेयरमैन को लेकर विवाद था लेकिन अब विवाद थमता नजर आ रहा है। हलोपा की रीना सेट्टी इस मामले को कोर्ट ले गई थी जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले पर स्टे का नोटिस जारी कर दिया था। तमाम अटकलों के बाद आखिरकार सिरसा की नगर परिषद की चेयरमैन की कुर्सी का मामला सुलझ गया। बीजेपी की ओर से वार्ड नंबर 16 की पार्षद शीला सहगल को चेयरमैन बनाया गया। हालांकि कांग्रेस और हिलोपा ने चेयरमैन के चुनाव को चुनौती देते हुए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जिसके बाद कोर्ट ने चुनाव पर स्टे नोटिस जारी कर दिया। लेकिन बावजूद इसके सिरसा के एसडीएम परमजीत सिंह चहल ने शीला सहगल को चेयरमैन की कुर्सी पर काबिज कर दिया। सिरसा के एसडीएम परमजीत सिंह चहल ने कहा कि हरियाणा सरकार के नोटिफिकेशन के बाद ही शीला सहगल को चेयरमैन बनाया गया है। आपको बता दें कि सिरसा नगर परिषद के पार्षदों के लिए चुनाव 25 सितंबर को हुए थे। 20 अक्टूबर को 31 बार के सभी पार्षदों को शपथ दिलाई गई थी। इसके बाद चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव हुआ लेकिन एक वोट से हारने वाली हिलोपा की रीना सेठी ने चुनावों में धांधली का आरोप लगाते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट के स्टे के बाद आखिरकार शीला सहगल चेयरमैन बन ही गई। ऐसे में देखना होगा कि हलोपा की रीना सेठी आगामी कार्रवाई क्या करेगी। सिरसा से विजय कुमार, जी मीडिया। पीएम मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में आज 500 और 1000 के पुराने नोटों पर अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई। 30 दिसंबर के बाद जिस किसी के पास भी 500 और 1000 के पुराने नोट तय सीमा से ज्यादा पाए जाएंगे उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। अध्यादेश के मुताबिक तय सीमा से ज्यादा पुराने नोट रखने पर जुर्माने के साथ जेल भी हो सकती है। अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद 500 और 1000 के पुराने नोटों पर सरकार और आरबीआई की देनदारी भी खत्म हो जाएगी। अभी ये साफ नहीं है कि अध्यादेश को 30 दिसंबर के बाद लागू किया जाएगा या फिर 31 मार्च के बाद। हालांकि सूत्र इसे 31 मार्च के बाद लागू होने का दावा कर रहे हैं क्योंकि पुराने नोटों को आरबीआई में जमा करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2017 है। अध्यादेश को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। बंदी के 50 दिन पूरे हो रहे हैं। 50 दिनों में कैश की किल्लत के बीच देश कैशलेस होने की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है। नोटबंदी का आज 50वां दिन है। 50वें दिन में भारत के बैंकों में 300% कैश बढ़ गया है। 50 दिन में भारत के बैंकों में 300% कैश बढ़ गया और डिजिटल पेमेंट में भी 300% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मुंबई में भी डिजिटल पेमेंट ने लोगों की मुश्किलें आसान कर दी है। वक्त हम मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में मौजूद हैं। ये है वो इलाका जहां पर लोग पूजा के लिए बुकिंग कराते हैं, डोनेशन देते हैं और इस जगह पर मंदिर की ओर से स्वाइप मशीन, कैश और चेक सारे ही एक्सेप्ट किए जाते हैं। दिल्ली में भी लोगों ने देश के कैशलेस होने पर खुशी जताई है। इस वक्त हम पूर्वी दिल्ली में हैं और यहां पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सरकार पास हुई या फेल? पूरी तरह पास तो नहीं है
लेकिन फिर भी काफी हद तक ठीक रहा, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं पर्सनली, हमें कोई परेशानी नहीं है। राजस्थान के कई इलाकों में नोटबंदी के 50 दिन बाद कैश के लिए बैंक और एटीएम के बाहर लगी लोगों की कतार अब छोटी होने लगी है। एक एटीएम पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर देखते हैं एटीएम खाली है, उसी तरह से जैसे कि 50 दिन पहले हुआ करता था। कोई कतार नहीं है, कोई भी यहाँ पर नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि ये एटीएम चल नहीं रहा है या फिर इससे कैश नहीं मिल रहा है। 8 नवंबर को नोटबंदी का फैसला लागू होने के बाद देश भर में करीब 3300 करोड़ का काला धन जब्त किया गया है। नोटबंदी के बाद हवाला कारोबार भी 90% तक खत्म हो गया है। नोटबंदी के फैसले को लेकर आज राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवालों की बौछार की है, बीजेपी ने भी जवाब दिया। नोटबंदी के मुद्दे पर एक बार फिर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने नोटबंदी के फैसले को भ्रष्टाचार के खिलाफ यज्ञ बताया था, लेकिन इस यज्ञ में आम लोगों की आहुति दी जा रही है। बीजेपी ने राहुल पर जनता को गुमराह करने के लिए जहर उगलने का आरोप लगाया। 50 परिवारों के लिए प्राइम मिनिस्टर ने ये यज्ञ किया है। नुकसान गरीब लोगों का हुआ है, बलि गरीब लोगों की चढ़ाई गई। आपकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है राहुल गांधी। आप जहरीली जबान बोलते हैं और जहरीली जबान के साथ साथ वो बहुत खोखली भी होती है, सत्य उसमें नहीं होते। इसके साथ ही राहुल ने पीएम मोदी से सवाल किया कि प्रधानमंत्री बताएं कि नोटबंदी की वजह से कितने लोगों की जान गई, 8 नवंबर को नोटबंदी लागू होने के बाद से अब तक कितना काला धन आया, नोटबंदी के फैसले की वजह से अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान हुआ, नोटबंदी की वजह से कितने लोगों का रोजगार छिना, बैंकों में जमा हुआ धन आम लोगों का है सरकार का नहीं, फिर खातों से निकालने के लिए 24,000 किलोमीटर क्यों। विपक्ष नोटबंदी को लेकर केंद्र सरकार पर पूरी तरह से हमलावर है और राहुल गांधी सबसे सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ तपन मल्होत्रा, जी मीडिया। सुरेश कलमाड़ी और INLG नेता अभय चौटाला को भारतीय ओलंपिक संघ का लाइफ टाइम प्रेसिडेंट चुने जाने पर विवाद हो गया। फैसले पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं, तो वहीं मामले पर खेल मंत्री ने IOA से रिपोर्ट तलब की है। खेल मंत्री विजय गोयल ने कलमाड़ी और चौटाला के खिलाफ भ्रष्टाचार और आपराधिक मामलों को लेकर गंभीर आरोपों का हवाला दिया और साफ किया कि IOA के फैसले को स्वीकार नहीं किया जा सकता। खेल मंत्री ने मामले पर IOA से रिपोर्ट भी तलब की है। अभय चौटाला ने विवाद पर सफाई दी, कांग्रेस ने भी फैसले पर सवाल उठाए। हम उनको शोकास नोटिस भेज रहे हैं जिसका जवाब वो देंगे। जब तक इन दोनों लोगों को निकाला नहीं जाता तब तक IOA के साथ हम किसी प्रकार की डीलिंग नहीं करेंगे। बड़ी हैरानी की बात थी, वो ये कह रहे थे कि अभय सिंह चौटाला के खिलाफ क्रिमिनल केस है, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के केस है। मेरे खिलाफ जो मुकदमा है आज की तारीख में वो कोई क्रिमिनल केस नहीं है। चौटाला और कलमाड़ी जी को लाइफ टाइम प्रेसिडेंट बनाने से मैं समझता हूँ कि हमारी उल्टी गिनती हम लोगों ने भारत के स्पोर्ट्स की एक तरीके से शुरू कर दी। मंगलवार को चेन्नई में IOA की AGM में कलमाड़ी और चौटाला को 150 लोगों की सर्वसम्मति से लाइफ टाइम प्रेसिडेंट चुना गया था। सुरेश कलमाड़ी 1996 से 2011 तक IOA के अध्यक्ष रहे। 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन में घोटाले के आरोपों के चलते उन्हें 10 महीने जेल में रहना पड़ा था। अभय चौटाला 2012 से फरवरी 2014 तक IOA के अध्यक्ष रहे थे। भ्रष्टाचार और आपराधिक मामलों के चलते अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने उनके चुनाव को रद्द कर दिया था। कलमाड़ी पर राष्ट्रमंडल खेलों में घोटाले का आरोप लगा था और उन्होंने 10 महीने जेल की सजा भी काटी थी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ दिनेश कुमार, जी मीडिया। दीनानगर में इंसानियत शर्मसार हुई है। दीनानगर में 3 लड़कों ने एक लड़की को ना केवल पीटा बल्कि उसके बाल तक काट दिए। दिन दिहाड़े कैसे कोई एक नाबालिग के साथ हैवानियत कर सकता है, कैसे कोई अपने घर पर टीवी देख रही लड़कियों के साथ अश्लील हरकतें कर सकता है, घर में घुसकर कैसे कोई उसके साथ मारपीट कर सकता है। इस मासूम के साथ 3 हैवानों ने न केवल मारपीट की बल्कि उसके बाल तक काट दिए। इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये घटना पंजाब के दीनानगर की है। फरीदकोट में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। फरीदकोट पुलिस ने लूटपाट करने वाले 2 ग्रोह के 8 सदस्यों को काबू किया है। ये तस्वीरें फरीदकोट पुलिस की सफलता की कहानी बयां कर रही हैं।
पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब लूटपाट की वारदात को अंजाम देने वाले दो लूट गिरोह के 8 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पहले गिरोह को पुलिस ने उस वक्त पकड़ा जब ये एक पेट्रोल पंप को निशाना बनाने की फिराक में थे। पुलिस ने इस गिरोह के 4 सदस्यों को दबोचा है। इनके पास से 2 पिस्तौल और किरपान बरामद हुई है, लेकिन इनकी निशानदेही पर 7 मोटरसाइकिलें बरामद की गयी। शिमला में साइकिल स्टैंड तैयार हो रहे हैं। अब आप एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए साइकिल का सफर कर सकते हैं। विश्वविख्यात पर्यटन नगरी में सबसे बड़ी अगर कोई दिक्कत है तो वो है ट्रैफिक कंजेशन। पैदल नहीं तो पैडल ही सही। जी हाँ, शिमला नगर निगम का ये स्लोगन अगले कुछ ही दिनों में हकीकत बनने वाला है। दरअसल शिमला में पर्यावरण संरक्षण, सुचारू ट्रैफिक व्यवस्था और सैलानियों को विशेष सुविधा देने के मकसद से शिमला में नगर निगम 3 नए साइकिल स्टैंड की शुरुआत करने जा रहा है। मकसद है शहर के मुख्य पर्यटक स्थल मॉल रोड के आसपास के अन्य पर्यटक स्थलों तक सैलानियों के लिए प्रदूषण मुक्त और यादगार सफर। शिमला के रिज मैदान पर चल रहे कार्निवल में हुए फैशन शो ने सभी का दिल जीत लिया। शिमला में पहली बार विंटर कार्निवल में फैशन शो का आयोजन हुआ। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित इस फैशन शो ने हर किसी का दिल जीत लिया। इस विंटर कार्निवल में रैंप पर लड़कियों ने जलवे बिखेरे। इस प्रतियोगिता में कुल 10 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के पहले राउंड में सभी 10 प्रतिभागियों ने रैंप पर वॉक किया। पहले राउंड में प्रतिभागियों ने साड़ी में कैटवॉक किया। इसके बाद दूसरे राउंड में प्रतिभागियों ने डांस के जरिए अपना टैलेंट दिखाया। विश्व पटल पर जूनियर हॉकी में भारत का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। जूनियर हॉकी खिलाड़ियों को खेल मंत्रालय ने सम्मानित किया है। इन खिलाड़ियों ने जूनियर हॉकी में भारत का नाम रोशन किया। 15 साल बाद जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। फाइनल में बेल्जियम जैसी मजबूत टीम को शिकस्त दी है। ऐसे में इन खिलाड़ियों का सम्मान तो बनता ही है। इन चैंपियन खिलाड़ियों को खेल मंत्री विजय गोयल ने सम्मानित किया। सरकार ने टीम के सभी खिलाड़ियों को 3,70,000 रुपए की इनामी राशि दी है। चलिए अब आपको मिलवाते हैं जम्मू कश्मीर के एक युवा बॉक्सर से जिसके सपने काफी बड़े हैं। कश्मीर की ये युवा बॉक्सिंग खिलाड़ी मैरी कॉम की तरह बॉक्सिंग जगत में भारत का नाम रोशन करना चाहती है। कश्मीर के बड़गाम की रहने वाली इस युवा लड़की के सपने बहुत बड़े हैं। ये लड़की भारत को बॉक्सिंग में मेडल दिलवाना चाहती है। नाम है इंदलीप सेहरा। सपने बड़े हैं, लिहाजा तैयारियां उसी स्तर पर हो रही हैं। मैरी कॉम को अपनी प्रेरणा स्रोत मानने वाली इंदलीप सेहरा एक मिडिल क्लास फैमिली से आती है। फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है और बचपन से बॉक्सिंग का शौक भी है। इंदलीप जहरा ने राज्य स्तर पर काफी इवेंट्स में हिस्सा लिया है और हाल ही में इंदलीप ने जम्मू में हुए स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। बॉक्सिंग का मुझे बचपन से मतलब बहुत शौक था। लाइक मूवीज में देखते थे या पेपर वगैरह पे जो पढ़ते थे, जैसे कि हमने मैरी कॉम का देखा था, मतलब इंडिया की पहली फीमेल बॉक्सर थी, तो उस वजह से मेरा शौक बढ़ा। इंदलीप जहरा उन कश्मीरी माता पिता को नसीहत दे रही हैं जो लड़कियों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। और अब जाते जाते देखिए मौसम का हाल। पंजाब हरियाणा के कई शहरों में आज तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है। आज एक बार फिर से आसमान पर हल्की धूप छाई रही। दिल्ली और गुरुग्राम का आज का मैक्सिमम टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस रहा तो चंडीगढ़ में 22 डिग्री और हिसार में 25 डिग्री सेल्सियस अधिकतम दर्ज किया गया। पंजाब की बात करें तो अमृतसर और बठिंडा दोनों शहरों के तापमान में बढ़ोतरी देखी गई। अमृतसर में 23 तो बठिंडा में 24 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ, जबकि लुधियाना और पटियाला का आज का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा। पहाड़ों पर ठंड का प्रकोप बढ़ गया है, लेकिन धूप खिलने से मौसम में कुछ बदलाव देखने को मिला। शिमला में आज अधिकतम तापमान 19 डिग्री, मनाली में 16 डिग्री और धर्मशाला में 18 डिग्री अधिकतम पारा दर्ज किया गया, जबकि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में अधिकतम तापमान आज 11 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया।
पहाड़ी इलाकों में जहां सुबह और शाम की ठंड बढ़ गई है, वहीं मैदानी इलाकों में सुबह का कोहरा परेशान कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ यशराज, जी मीडिया।